ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਦੇਸ ਪਰਦੇਸ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਹਾਜ਼ਰ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਆਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਂ ਸਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਔਨਲਾਈਨ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਰਹੇਗਾ ਸੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕੀ ਕੁਛ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਔਨਲਾਈਨ ਫੇਅਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਲਟਸ ਅਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੇਟਸ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਵਾਵਾਂਗੀ ਪੀ ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਸਟ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਆਫਲਾਈਨ ਦੋਨੋਂ ਰਹਿਣਗੇ ਜੀ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕੀ ਕੁਛ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜੀ ਦੇਖੀਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਕਾਲਜ ਕੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਹੋਣਗੇ ਔਨਲਾਈਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋ ਮਿਲੇਂਗੇ ਮੀਨਸ ਵਰਚੁਅਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਹੈ ਯੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣੀ ਸਿਟੀ ਮੈਂ ਬੈਠੇ ਹਮਸੇ ਜੁੜ ਸਕਤਾ ਹੈ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਕੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸੇ ਜੁੜ ਸਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹਮਾਰੇ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਤੇ ਉਨਕੇ ਲੀਏ ਹਮੇ ਯੇ ਵਰਚੁਅਲ ਫੇਅਰ करने जरूरी है हमारे पास पूरे इंडिया से बच्चा है चाहे वह नॉर्थ है चाहे ईस्ट है चाहे वेस्ट है चाहे साउथ है तो डेलीगेट्स फेस टू फेस ऑनलाइन बच्चे से बात करके बच्चे की प्रोफाइल को असेस करके बताएगा कि भाई किस प्रोग्राम में एडमिशन हो सकता है उनके पास क्या क्या प्रोग्राम है तो बहुत 29 जन कैनेडा एडमिशन फेयर है ये कैनेडा वर्चुअल एडमिशन फेयर तो बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है जी आप अपनी डॉक्यूमेंट को असेस करा सकते हो यूनिवर्सिटीज कॉलेज से मिलने का आपको मौका मिलेगा यूनिवर्सिटी कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट देख के बताएंगे कि आपका किस प्रोग्राम में एडमिशन हो सकता है वीज़ा लग सकता है या नहीं लग सकता है तो 29 जनवरी मिस ना करना और जुड़ना कैसे है ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा western-overseas.com ये मेरी वेबसाइट है जी इस पर आप जाइए और अपना सीट बुक कर सकते हैं इसके अलावा 9115-017-017 पे भी कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इसके अलावा आप स्क्रॉल देख रहे होंगे जब अभी चैनल पे जो शो चल रहा है तो स्क्रॉल जो है तो स्क्रॉल पे भी आप जाके क्या नाम है अपना लिंक उठा सकते हो या मेरा फेसबुक पेज है वेस्टर्न ओवरसीज 172 या मेरा यूट्यूब चैनल है या इंस्टाग्राम है तो वहाँ पे से भी जाके आप अपना सीट बुक कर सकते हो आपकी प्रोफाइल के हिसाब से यूनिवर्सिटीज और कॉलेज या मैं खुद आपको बताऊंगा कि भाई आपका वीज़ा लग सकता है या नहीं लग सकता है 2021 बहुत बढ़िया जाने वाला है मई इनटेक के लिए हम एप्लीकेशंस ले रहे हैं इसके अलावा मार्च अप्रैल के लिए भी ले रहे हैं और सितंबर 2021 के लिए भी ले रहे हैं कीप इन माइंड बहुत लिमिटेड सीट्स हैं रीजन बिहाइंड दिस 2020 का बच्चा भी अभी डेफर पे डेफर ले रहा है तो ऐसा ना हो कि आप जो स्टूडेंट्स हैं आपका एडमिशन नहीं होगा और डे बाई डे अगर डेफर होता रहा तो आपका गैप पड़ेगा और गैप पड़ेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी इस फेयर में आपको मैं श्योर कर रहा हूँ कि आपको जो नॉलेज मिलेगा यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट से को लेके और उस कॉलेज को लेके और उस क्या नाम है कंट्री को लेके वो रियली काबिल तारीफ रहेगा वो सारी की सारी चीजें बताई जाएंगी जो आपको रिक्वायर्ड है ठीक है अच्छा लगता भी दिस टाइम के जरूरी है स्टूडेंट्स के वास्ते कनाडा दा स्पेशली कनाडा दी अगर गल देखिए हम ना डिफरेंट कंट्रीज के करते हैं 29 जनवरी को सिर्फ कनाडा का है ठीक है। बहुत जरूरी है देखिए एक बच्चा कंसल्टेंट के पास जाता है कंसल्टेंट उसकी काउंसलर्स क्वालिफाइड है नहीं है सर बातें करने से कुछ नहीं होगा एम्बेसी ने वीजा देना है तो रिलेवेंट कोर्स और फीस क्या है एप्लीकेशन फीस है या नहीं है ट्यूशन फीस कितनी है ठीक है जी ये सारी चीजें कोर्स क्या है कोर्स के कंटेंट क्या है कितने दिन की क्लास लगेंगी ये सारी चीजें एक यूनिवर्सिटी और कॉलेज के डेलीगेट ही बता सकते हैं बच्चा क्या करता है कॉलेज ऑफिस अपना ऑफिस में जाता है ऑफिस में जो काउंसलर्स ने बता दिया उस पर फेथ कर लेता है लेकिन जो काउंसलर्स बताते हैं और एक्चुअल पिक्चर जो होती है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की और डिफरेंट होती है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के डेलीगेट से मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि आप स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हो आप कोई कबूतरबाजी नहीं कर रहे ठीक है आप एक स्टूडेंट वीजा पे जा रहे हो आपने अपनी फीस पे करनी है 14-15 लाख रुपए आपके लगने हैं ट्यूशन फीस और GIC के तो आपको पता होना चाहिए यू हैव द राइट कि भाई आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन से कोर्स में एडमिशन हो सकता है और किस तरीके से आपका वीजा लग सकता है बहुत सारे बच्चों के वीजा रिजेक्ट होते हैं रीजन यही होता है कि रिलेवेंट कोर्स नहीं होता या उसकी फाइल अच्छी तरह से नहीं बनती ठीक है मिसमैच इन्फॉर्मेशन रहती है तो ये सारी चीजें हो के कारण एक बच्चे का वीजा रिजेक्ट होता है तो कीप इन माइंड 29 जनवरी कनाडा वर्चुअल एडमिशन फेयर है जी जिसमें आपको यूनिवर्सिटीज कॉलेज के डेलीगेट से मिलने का मौका मिलेगा इसमें आप फ्रेश स्टूडेंट्स हैं या आप रिफ्यूज हैं आप सिंगल हैं मैरिड हैं और आपका गैप भी है तब भी
कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर में आइए, आपको यूनिवर्सिटीज कॉलेज के डेलीगेट्स मिलेंगे, वो बताएंगे कि वो आपका एडमिशन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा 12th फेब को यूके एंड यूरोप का वर्चुअल एडमिशन फेयर है। इसके अलावा आयल्स रियलिटी टेस्ट, ये एक काबिले तारीफ है, रिवोल्यूशन है। आज की डेट में हर एक स्टूडेंट ये कहना स्टार्ट हो चुका है कि फाइनल एग्जाम से पहले ये रियलिटी टेस्ट देना बहुत जरूरी है। बच्चा एक दूसरे से पूछता है यार तूने रियलिटी टेस्ट दिया है नहीं दिया, तो ये बहुत जरूरी है। और आप मेरे को डेली मैसेज आते हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे कि सर आपका नेक्स्ट कब हो रहा है, आप दिल्ली कब कर रहे हो, जहां जहां हम नहीं जा रहे वहां वहां भी बच्चों की वहां से भी आ रही हैं। तो 29 जनवरी बठिंडा है, 4th फेब को पटियाला है, 12th फेब को अंबाला, 19th फेब को जलंधर एंड 26th फेब को करनाल में ये आयल्स रियलिटी टेस्ट है। इसके अलावा पीटीई और सीडी आयल्स रियलिटी टेस्ट ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ऑनलाइन का मतलब आप अपने घर बैठे और ऑफलाइन का मतलब वेस्ट मोर्सिस की नीरेस्ट ब्रांच में जाके, एवरी ट्यूजडे ये पीटी और सीडी रियलिटी टेस्ट होता है, आप इसका भी एडमिशन करा सकते हैं। अब पीटी सीडी रियलिटी टेस्ट और आयल्स रियलिटी टेस्ट का आप रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं, देखिए एक वेबसाइट है www.ielsrealitytest.com, लेफ्ट में आयल्स है और राइट में पीटी है, बीच में मेरा फोटो है। अगर आयल्स रियलिटी टेस्ट बुक करना है तो आयल्स पे क्लिक करिए, पीटी रियलिटी टेस्ट बुक करना है तो पीटी पे करिए। तो वहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आगे एक फॉर्म आएगा, ऊपर स्क्रॉल आएगा चेक डेट्स, चेक डेट्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहां एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म को आपको फिल करना होगा। जैसे जैसे आप नाम, अपना फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, कंट्री, इंटरेस्ट ये सब भरेंगे तो डेट्स आ जाएंगी, उन डेट्स में से देखिए आपको नियरेस्ट कौन सी पड़ती है और कब आप एग्जाम देने वाले हैं, उससे पहले आपने कौन सी डेट पे रियलिटी टेस्ट देना है, तो अपना डेट बुक करिए, वहीं से आप अपनी पेमेंट कर सकते हैं और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन आ जाएगा, अक्नोलेजमेंट रिसिप्ट आ जाएगी और उसके बाद क्या नाम है आप फाइनल एग्जाम रियलिटी टेस्ट का दे सकते हैं। जी सो फिलहाल वेस्टर्न ओवरसीज तो मिस्टर प्रदीप बालियान देश परदेश लाइव प्रोग्राम ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ 29 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਰਚੁਅਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫੇਅਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਊ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਆਊਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ AIP ਸਾਡਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੇਖੀਏ AIP ਔਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਵਹੀ ਬੱਚਾ ਜੋ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੈ ਵਹੀ ਫੇਅਰ ਮੈਂ ਆਏ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮੋਰ ਬੈਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਔਰ ਕਾਲਜ ਕੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਕੇ ਪਾਸ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਹੋਗਾ, ਬੱਚੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਕੀ ਸੰਖਿਆ ਮੈਂ ਹੋਣਗੇ, 11 ਵਜੇ ਸੇ ਸਿਰਫ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਾ ਹਮਨੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖਾ ਹੈ। तो बच्चा रेडी रहे कि भाई उसने कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, उनकी 10th कब हुई है उसमें परसेंटेज कितनी है, 12th कब हुई है उसमें परसेंटेज कितनी है, मैथ में नंबर कितने हैं, फिजिक्स में कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं, मतलब या कॉमर्स का बच्चा है तो, और या फिर मेडिकल का बच्चा है, या बच्चा BA की है या BEd की है, या आपने अपना BTech किसी भी स्ट्रीम में किया है, तो जो भी किया है कौन से ईयर में पासिंग है और आपकी परसेंटेज कितनी है, इसके अलावा आपके पास गैप है तो गैप में आपने क्या किया, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होगी। लिमिटेड टाइम है क्योंकि टेक्निकल चीज़ें हैं, टेक्नोलॉजी के साथ हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें और भी बच्चे क्यू में होंगे, वेट कर रहे होंगे, उनको भी यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट से मिलवाना है। तो आप अपने सारे क्वेश्चन रेडी रखिए और डेलीगेट से पूछिए, यूनिवर्सिटी कॉलेज के रैप से, वो आपको हर एक चीज का रिप्लाई देंगे। लेकिन वो बच्चा आता है जिसकी फाइल ऑलरेडी एम्बेसी में आ रही है, तो वो तो एक एम्बेसी का काम है, ठीक है, कि वो उसको डिसीजन कब देगा कब नहीं देगा, वो यूनिवर्सिटी कॉलेज के डेलीगेट से कोई नहीं है। आपने अगर अब्रॉड जाना है, आपने कनाडा में पढ़ना है, आपने यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उन सब के क्वेश्चंस के लिए कल 29 जनवरी को इंटेक केड़ा रहेगा जड़े अगर आंदे ने इस वर्चुअल फेयर देखिए मार्च और अप्रैल के लिए वर्क हो रहा है, ठीक है, मई के लिए वर्क हो रहा है और सितंबर के लिए वर्क हो रहा है, ठीक है, तो ये इंटेक्स है मई और मई और सितंबर, साथ साथ में मार्च और अप्रैल। सो फिलहाल जी स्टूडेंट्स के वास्ते मौका कि तुम इन्हें इनटेक्स के वास्ते अगर एडमिशन लैनी है, कोई भी सवाल डिस्कस करना है, यानी कि कोर्सेज को लैके चाहे कॉलेज से यूनिवर्सिटीज को लैके हर तरह की प्रोफाइल जी डिस्कस करने का मौका मिलेगा। एंड आई एम श्योर कि सब तो वड्डा फायदा कितना कितना जो रिजेक्शन वाले स्टूडेंट्स है प्रदीप सर उन्होंने भी मिल सकता है। जी जो बच्चे रिफ्यूज हैं वो जरूर मिले, वो अपने फाइल की फोटोकॉपी होते वेल एंड गुड है, बट इतना जरूर पता हो कि आपके पास अपना रिफ्यूजल लेटर, तो रिफ्यूजल्स में रीजंस क्या रहे हैं और आपने प्रीवियसली किस कॉलेज में और किस प्रोग्राम में एडमिशन लिया था, तो उस बेस पे यूनिवर्सिटीज के डेलीगेट्स या मैं या मेरी टीम आपको
बता पाएगी कि आप फर्दर किस प्रोग्राम के लिए जा सकते हैं और कौन से प्रोविंस में और कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है और किस तरीके से आपका वीजा लग सकता है। सो ऑल ओवर कनाडा जिहड़े हैगे ने रिप्रेजेंटेटिव समझ उतरे ने। जी जी जी, इसमें हमने तकरीबन 15 प्लस डेलीगेट्स बुलाए हैं जो मोस्टली गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे, प्राइवेट कॉलेज भी होंगे, ठीक है। तो जो बच्चों को क्यूबिक के भी कॉलेज होंगे, तो जो बच्चों को बताएंगे कि उनके पास अपकमिंग कौन सा इनटेक है और किस तरीके से आपका एडमिशन हो सकता है। जी, सो स्टूडेंट जी साढ़े फिलहाल नंबर के उत्ते कॉल करके अपना सवाल डिस्कस करने का मौका थानू असीं दे रहे हैं जी, देश परदेश लाइव के साढ़े इस मंच के उत्ते। सो 29 जनवरी यानी कि ऑनलाइन जोड़ा फेयर है स्पेशली कैनेडा स्टडी वीजा लैके, तो 12 फरवरी यूके तो यूरोप में लैके। इस तो अलावा जी आइट्स के रियलिटी टैस से करके जाने जाते हैं वैसटर्न ओवरसीज, तो 29 जनवरी बठिंडा रहेगा। उस तो अलावा 4 तरीक पटियाला 12 तरीक अंबाला, 29 तरीक जलंधर, 26 तरीक करनाल। स्टूडेंट्स जुड़ते हैं, किदां दा रिस्पांस देखने नूं मिलदा है? देखिए जी, रिवॉल्यूशन है जी, वी आर द फाइनल, ठीक है। हमने ये शुरुआत की है, लोग हमें कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो चीजें तो नहीं हो सकती क्योंकि जो हमारा विल पावर या पैशन है वो तो हर कोई चुरा नहीं सकता, लेकिन आइडिया कॉपी करने से कुछ नहीं होगा। तो ये अगर मैं बात करूं, जो पीटी और सीडी रियलिटी टेस्ट है एवरी ट्यूजडे रखे हैं और ऑनलाइन ऑफलाइन, इसके पीछे रीजन ये है कि हाई डिमांड है स्टूडेंट्स की, दैट्स द रीजन एवरी ट्यूजडे, मतलब हर हफ्ते एक बार हम कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं। बड़ी सिंपल सी फीस है, 299 रुपये, आईएलटीएस और पीटीएस, सॉरी आईएलटीएस रियलिटी, सीडीआईएस, सीडीआईएस रियलिटी टेस्ट और पीटी रियलिटी टेस्ट, 299 ओनली। सिर्फ रीजन बच्चों को बेनिफिट देना है, सिर्फ बच्चों को बताना है कि वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। जो आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट है उसकी बड़ी नॉमिनल है, 699, 699 अप्रोक्स 700 रुपये। तो ये जहाँ 14,000 रुपये फाइनल एग्जाम की फीस है, वो बच्चे, काफी बच्चे हैं जो खराब कर लेते हैं, उनका स्कोर नहीं आता, फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस, और उनको पता नहीं होता कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, अभी उसको कितना टाइम और चाहिए। वो 5 बैंड पे खड़े हैं, 5.5 बैंड पे खड़े हैं, बच्चा एडमिशन ले ले अपना, क्या नाम, फाइनल एग्जाम देता, पता लगता है कि भाई मॉक टेस्ट में तो 6 आ रहे थे लेकिन अब तो 5 बैंड आए। तो वो बहुत फर्क है। एक इंस्टीट्यूट जिसमें बच्चा पढ़ रहा है मॉक टेस्ट, वो एक फनी वे में होता है, वो सीरियस नहीं होता, उससे कोई असेसमेंट नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो रियलिटी टेस्ट है, चाहे वो आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट है, चाहे वो सीडी आईएलटीएस रियलिटी टेस्ट है, जो पीटी रियलिटी टेस्ट है, वो सेम माहौल में होता है जैसे फाइनल एग्जाम होता है, ठीक है। तो उससे बच्चों को एग्जैक्ट पता लगता है कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं, कितने पानी में है। So, result same day पता चलता है? नहीं जी, 3-4 दिन चाहिए हमें। अच्छा। और वो भी वेबसाइट्स पे आते हैं, जो हमें जैसा, जिस जैसे पैटर्न पे पीटी या आईएलटीएस होती है, उसी पैटर्न पे ये एग्जाम होता है। सेम डे नहीं हो सकता क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम देते हैं, तो पूरी टीम बैठती है और वो पूरे, तब जाके रिजल्ट्स उनके डिक्लेयर होते हैं। इवन के बताया भी जाता है कि भाई 5 बैंड आए, क्यों आए। अच्छा। रीडिंग में आप कहाँ वीक हो, कहाँ का वर्क करने की जरूरत है, सेम इन राइटिंग, सेम इन स्पीकिंग, सेम इन लिसनिंग, तो बच्चों को पूरा बताया जाता है। दैट्स द रीजन इतना पॉपुलर ये चीज हो चुकी है कि बच्चा आज की डेट में दूर दूर से ये एग्जाम देने आ रहा है। सो फिलहाल पीटी ते आईएलटीएस से ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। अच्छा, आई एम श्योर के हर कंट्री ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਆਈਐਲਟੀਐਸ ਕਰ ਲੋ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀ ਕਰ ਲੋ। देखिए कविता, हम एक नॉन इंग्लिश कंट्री में रह रहे हैं, और जब आप एक कंट्री, जिस कंट्री में जा रहे हो वो एक इंग्लिश कंट्री है, ठीक है, और आपकी एजुकेशन सारी इंग्लिश में होनी है, आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश में होनी है, आपके जो, क्या नाम है, जो एम्प्लॉयर है उनसे आपकी इंग्लिश में कम्युनिकेशन होनी है, और इधर से हाई कमीशन जो इंटरव्यू लेती है वो भी इंग्लिश में लेगी, हिंदी में नहीं लेगी। अच्छा। तो आईएलटीएस और पीटी ये मैंडेटरी पार्ट है, ठीक है, चाहे किसी कंट्री के लिए रिक्वायर्ड है या नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि बच्चा यहीं से प्रिपेयर करके जाएगा तो वहां जाने के बाद उसके ना तो पैसे खराब होंगे, ना उसका टाइम वेस्ट होगा, और वो अपने करियर में सक्सेस हो पाएगा। तो इसलिए मैं हर एक बच्चे को रिकमेंड करता हूँ कि भाई आईएलटीएस और पीटी करके जाना चाहिए। देखिए, न्यूजीलैंड आईएलटीएस पीटी, ऑस्ट्रेलिया आईएलटीएस पीटी, कनाडा आईएलटीएस पीटी, यूके आईएलटीएस पीटी, यूरोपियन कंट्रीज में आईएलटीएस पीटी, हर एक कंट्रीज तो रिक्वायर्ड है। सो यूरोप की जिथे गल चल रही है, एक बार जर्मनी स्टडी वीजा की भी जरूर गल कर लेने, बिकॉज वेस्टर्न ओवरसीज काफी टाइम तो प्रमोट करते आ रहे हैं। सो किदां दा हुण लाइक
देखिए जो बच्चे मास्टर्स में जा रहे हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स बहुत इजी मिल रही हैं, लेकिन जो बैचलर्स में उनकी भी अब 11 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अभी बहुत लिमिटेड सीटें अवेलेबल हो रही हैं हमें। तो मैं अगेन चैनल के माध्यम से स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो पेशेंस रखें और अपना लगे रहें क्यू में। वेरी सून, जैसे ना कैसे, लेटर सूनर आपको जरूर मिलेगी अपॉइंटमेंट, और आपका क्या नाम है, वीजा भी लगेगा, वीजा एम्बेसी दे रही है। ठीक है, ठीक है। सो जर्मनी स्टडी वीजा, सो एक फ्री एजुकेशन असी अक्सर सुनी है जी, ते इस तो अलावा जिन्होंने हुण इकट्ठिया ने अपलाई करना या कल्ले ने अपलाई करना, कंट्री कोई भी हैगी, तुसी वेस्टर्न ओवरसीज दे नाल कॉन्टैक्ट जरूर कर सकते हो जी। इस वेले जिन्हें भी साढ़े दर्शक कॉल करनगे जी, थोड़े डायरैक्ट जिहड़े फोनस हैगे ने वो ट्रांसफर हो रहे हैं वेस्टर्न ओवरसीज के ऑफिस के विच, सो जिथे कि वेल ट्रेन स्टाफ बैठा जी थोड़ी मदद करन वास्ते, तुसी फ्री दी काउंसलिंग जिहड़ी एक वारी जरूर लै सकते हो। सो स्टूडेंट्स कितना कितने देरी करते हैं अपलाई करन दे विच, इदां हमेशा सानू कंसल्टेंट्स दे वल्लों भी सुनन नूं मिलदा। देखिए सिचुएशन कुछ ऐसी है, पहली बात तो बच्चा जब 12th करता है वो सोचता है कि भी 2-3 महीने तो मैं अभी मतलब घूम लूं, थोड़ा तो नाना के घर चला जाऊं या इधर उधर शिमला चला जाऊं या इधर उधर चला जाऊं, बट स्टूडेंट को ये समझना होगा कि वो टाइम अब निकल चुका है, बहुत कंपटीशन है आज के डेट में। अब तो कुछ फार्मर प्रोटेस्ट को लेके भी स्टूडेंट्स की भाई पहले इसका डिसीजन आ जाए या 26 जनवरी पे हमें वहां जाना है, तो भाई ये चलता रहेगा, ये साइमल्टेनियसली चीजें चलती रहेंगी। आप अपने राइट्स के लिए फाइट करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने राइट्स के लिए अपने जो जो आप जिस तरह से प्रोटेस्ट कर सकती हैं वो करें, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है कि आपकी लाइफ तो नहीं रुकनी ना, तो इसलिए आप अपना करियर स्पॉइल ना करें। वो चीज है, उसने आपको, ठीक है आप अपने राइट्स के लिए कुछ भी काम कर रहे हो, लेकिन साथ साथ में आपने अपना करियर जो बनाना है तो करियर के लिए भी आपको कुछ ना कुछ करना होगा। तो आज दिस इज द राइट टाइम, ISPT अपना जरूर करें, टाइम रहते टाइम वेस्ट ना करें, और साथ साथ में अपना एडमिशन्स के लिए जरूर प्रोसेस करें, चाहे वो कनाडा है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज है, चाहे US है, चाहे UK है, तो क्योंकि टाइम किसी का वेस्ट वेट नहीं करेगा। रात होनी है, उसके बाद सुबह होनी है, सुबह के बाद फिर रात हो जानी है, डे बाई डे जो मूवमेंट निकल गया वो कभी नहीं आना। और आप इंटरव्यूज में ये नहीं बता सकते हाई कमीशन को कि ये गैप इसलिए है कि मैं 26 जनवरी पे या मैं फार्मर प्रोटेस्ट में बैठा था या मैं क्या नाम है अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने चला गया था या मैं क्या नाम है अभी सोच रहा था कि भाई अपना कोई दोस्त उसका जब कुछ होगा तब मेरा कुछ मैं कुछ करूंगा, तो ये चीजें हाई कमीशन नहीं मानेगी। हाई कमीशन देखती है कि आप कितने सीरियस हैं। वो एम्बेसी वीजा देने के लिए बैठी है, लेकिन वो एक जेन्युइन स्टूडेंट्स को, जेन्युइन स्टूडेंट मतलब आप अपने करियर के लिए बड़ा सिंसियर है, आप टाइम रहते आपने सारी प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, टाइम रहते आप अपना एडमिशन भी ले रहे हैं, तो ही आपको वीजा लगेगा। अगर गैप अगर डे बाई डे पड़ता गया तो मुश्किल हो जाएगी। देखिए जो बच्चा 2019 पास आउट है, 18 पास आउट है, अब 20 वाले तो वेट कर रहे हैं, और हर एक कंट्रीज की लिमिटेड सीट्स हैं, काफी लेट चल रहा है, बहुत सारा स्टूडेंट बल्क में रुका हुआ है। तो जो बच्चे अभी सोच ही नहीं रहे उनको एडमिशन कहाँ से मिलेगा? जब एडमिशन नहीं मिलेगा तो फंसेंगे। सो आई एम श्योर जी के 29 जनवरी का जो हम दिन है स्टूडेंट्स इस दिन का फायदा जरूर लैन। सो कैनेडा का जो है एजुकेशन फेयर हो जा रहा है जी, ऑनलाइन रहेगा। सो एक बार जाने तो पहले सर कोई और इन्फॉर्मेशन देनी चाहते हो? मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, देखिए बहुत मैं मानता हूँ कि ये टफ फेज़ है कोविड के कारण, लेकिन आप ये भी जरूर समझिए कि चाहे वो कनाडा है, चाहे UK है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज है, इंटरनेशनल एजुकेशन एक बहुत बड़ा योगदान है उनका, उनकी GDP में इंटरनेशनल एजुकेशन का। तो आप भी फर्स्ट रनर बनिए, आप अब्रॉड जाना चाहते हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम, और टाइम रहते हैं क्योंकि हाई कमीशन आपका वेट नहीं करेगी, वो कंट्री आपका वेट नहीं करेगी, और भी कंट्रीज हैं जिस जहाँ से बच्चे जा रहे हैं। तो आप भी फर्स्ट रनर बनना चाहते हैं तो पूरे अपने टाइम रहते अपना ILCS PT का की तैयारी करें, एडमिशन्स के लिए प्रोसेस करें, जैसे ही सिचुएशन फेवरेबल होंगी तो सारे कंट्रीज के बॉर्डर भी ओपन होंगे, और तब तक आप अपनी सारी प्रिपरेशन हो चुकी होगी तो सब कुछ हुआ, क्योंकि एक वीजा लेने के लिए और ILCS PT करने के लिए 5-6 महीने का प्रोसेस है। तो बच्चा आयस करना तब स्टार्ट करे जब ये कहे कि जी अब फ्लाइटें अभी स्टार्ट हो चुकी हैं या हाई कमीशन ने बुलाना शुरू कर दिया है, तो इसका मतलब तो वो और 5-6 महीने पीछे चला जाएगा। मीन टाइम आप ISPT करें, अपना एडमिशन कराएं, वीजा लेके रखें, और सिचुएशन फेवरेबल होगी तो आप अपना वहां पे फ्लाई कर सकते हो। कुछ कंट्री है UK अभी फ्लाई कर रहा बच्चा, इसके अलावा जो बच्चा कनाडा में वीजा रहा है वो फ्लाई कर रहा है, यूरोपियन कंट्रीज में बच्चों के फ्लाई हो रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया बड़ी जल्दी ओपन करने लग गई। तो फिलहाल जी वेस्टर्न ओवरसीज तो मिस्टर प्रदीप बालन सारे आस्ते मेहमान, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद, थैंक यू। सो इसे दे नाल जी देश परदेश लाइव प्रोग्राम दे विच मैनू वी दिओ इजाजत, नेक्स्ट टाइम फिर मुलाकात करांगे, अपना ख्याल रखो ते साडा यूट्यूब चैनल जी सबसक्राइब जरूर करते रहो, धन्यवाद।